नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में हुए सिख विरोधी दंगों में कानपुर में 127 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। इस दौरान कई घरों को लूटा गया और एक ही परिवार के कई कई लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कुछ लोगों को धारदार हथियार से निर्ममता से काटा गया तो कुछ को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। सिख समुदाय इंसाफ के लिए इंतजार करता रहा और 3 दशक से अधिक का समय गुजर गया मगर इंसाफ नहीं मिला। अब सिख समुदाय के जख्मों पर मरहम लगता हुआ दिख रहा है और उनमें इंसाफ की उम्मीद जगी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिख दंगों की जांच के लिए 2019 में एक SIT का गठन किया था। इस SIT को तमाम सख्तियां दी गई और निष्पक्ष जांच करने को कहा गया। SIT ने 11 मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है और इन मामलों में 4 सीट लगाई जा रही है। इस दौरान SIT ऐसे ऐसे स्थानों पर पहुंची जहां इसके पहले गठित किए गए जांच दल कभी नहीं गए, जबकि फॉरेंसिक टीम के साथ की गई SIT को यहां पर 36 साल पहले हुई बर्बरता के निशान भी मिले। फॉरेंसिक टीम जांच में एक मकान में जहां खून मिला तो वहीं आग से जलाए जाने के सबूत भी। SIT को मिले किदवई नगर में स्थित तत्कालीन गुरुद्वारे में कथित दंगाइयों ने 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने वारदात के 36 साल बाद यहां से सबूत जुटाए हैं। इस बार जिस तरीके से SIT ने काम किया है और 11 मामलों में 4 सीट की तैयारी है, ऐसे में सिख समुदाय को अब इंसाफ मिलता दिख रहा है। यह लोग BJP सरकार की सराहना कर रहे हैं और उम्मीद लगाए हैं कि जल्द ही उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। जी, आपके पिताजी ने ये मकान कब खरीदा था, इस बारे में कुछ बता दीजिए। ऐसे ही करीब 1990 के करीब। अच्छा, एक सिख विरोधी दंगे की जांच चल रही 1984 वाले मामले में, तो ऐसा पता चला कि SIT IT आपके घर में किसी बंद कमरे में उनको फर्श पर खून के धब्बे मिले, केमिकल डालने पर दीवार पर जले के निशान मिले। SIT आई जरूर थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बैठने की कुछ कुर्सी दी जाए, तो मैंने उनको कुर्सी ला के दी। उस दौरान वो 10-15 मिनट बैठे हैं और अंदर मुझे कमरे में नहीं उन्होंने जाने दिया। और बंद कमरा कोई भी नहीं था, हमारे रेंट पे रहते थे। अभी रिसेंट में खाली हुआ है, करीब 10-12 साल से तो रेंट पे ही चढ़ा हुआ था, अभी रेंट पे खाली कराया तो वाइट वॉश कराया। तो उन्होंने मेरे पास SIT वाले आए कि हम देखना चाहते हैं, तो हमने बिल्कुल देख लीजिए। उन्होंने आए, 15-20 मिनट रुके, उसके बाद चले गए वो। सर, क्या आपकी याद में जब से आपका जन्म हुआ आपने होश संभाला, तब से घर में कई बार रिपेयरिंग का और वाइट वॉश का काम हुआ होगा, क्या कभी फर्श वगैरह भी बना, ऐसा कुछ मोटा मोटा याद आ रहा है? फर्श का तो मुझे नहीं याद है। हाँ, वाइट वॉश तो कई बार हुआ है। अब जितनी बार आप दिवाली या कुछ आती है तो वाइट वॉश तो हर बार होता है, बाकी फर्श का तो नहीं मुझे मालूम है। हो सकता है मकान जब लिया हो तब का बताओ, वो तो आपके पिताजी को। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, आपका 31 तारीख को दुकान बंद करके हम अपने घर पहुँचे और सवेरे 8 बजे सब पूरी पब्लिक का हजूम एकदम हमारे मकान के ऊपर टूट पड़ा। और जैसे मकान के टूटा तो हम लोग समझे कि पुलिस वाले भी आ जाएंगे, हम लोग भी बचा लेंगे, लेकिन वो बचाने के लिए वहाँ आया नहीं। तो हम लोग वहाँ संघर्ष कर रहे थे थोड़ी देर, उसके बाद जो है ना सब खिड़की तोड़ी और मकान के अंदर मिट्टी के तेल डाल के मकान में आग लगा दी। आग लगाने के बाद सब लोग सब बाहर भागे, जो बाहर भागता गया उसको वो लोग मारते गए। तो भाई, चारों भाई थे, चारों भाइयों को मार दिया। उसके बाद जो है हम बच्चे, माता जी, पिताजी और सिस्टर, तो फिर हमने गेट खोला। गेट खोलने के बाद बाहर मकान में खंडर मकान पड़ा था, उसमें आ गए। तो हमने शायद उसमें कुछ बचाव हो जाएगा, तो देखा वहाँ भी कोई बचाव नहीं था। तो हमको हमारे पिता ने कहा कि ऐसा कब यहाँ से निकल जाओ, अब बचने का कोई चांस नहीं है। तो हम जो है थाने पहुँचे, दौड़ते दौड़ थाने पहुँचे। थाने जब पहुँचे तो पुलिस वाले हमारे कृपान हमारी ले ली। कृपान लेने के बाद हमको वहाँ से भगा दिया, कहते कि थाने में आग लगा देंगे, इसलिए सारी आप यहाँ से जाइए। तो हम एक खंजर मकान था उसमें छुप गए। शाम को जो है 4 बजे की मिलिट्री आई तो किसी ने बताया कि एक सरदार यहाँ छुपे हुए हैं। तो उन्होंने फिर हमको बाहर निकाला। फिर 4 बजे हमको मिलिट्री छावनी कैंप ले गई, तो हमको अपने सुरक्षित स्थान में पहुँचाया, जहाँ पर हम रात भर 2 दिन वहाँ रुके, उसके बाद अपने घर पर आए। हमारे फैमिली के 7 आदमी, माता जी, पिताजी, सिस्टर और 4 भाई, 7 आदमी हमारे घर। सर, अभी SIT आई थी, आपसे क्या बातचीत हुई, क्या रहा? SIT वाली जो है इंक्वायरी कर रही है,
उन्होंने दोषियों का नाम दिए हैं कि ये पकड़े जाएंगे, इनको दोषी दोष दिया जाएगा। अब ये आगे चल के कार्रवाई पता लगेगी, जो कार्रवाई होगी पता लगेगा। नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं था, ना वहाँ को सबूत मिला हमको।